प्रतापगढ़ में राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद की राज्य सरकार से वार्ता विफल हो जाने से धरना अनवरत जारी है। सरकार द्वारा उचित मांगों को नहीं मानने के कारण सेवा परिषद आगामी 2 अक्टूबर को जयपुर में महासम्मेलन आयोजित करेगी। महासम्मेलन में परिषद के समस्त सदस्य अपना इस्तीफा देंगे और कार्यकारिणी द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया जाएगा। आंदोलन के कारण पंचायत राज संस्था से जुड़े 5 उपखंड स्तरीय समस्त कार्य बाधित हो रहे हैं। समस्त अटल सेवा केंद्रों पर भी ताले लगे होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विगत 3-4 सालों में 9 बार सरकार के साथ लिखित समझौते हो गए हैं। माननीय मंत्री महोदय के साथ भी समझौते हो चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय ने भी लिख के दिया है कि आपकी सभी मांगें मान ली गई है, लेकिन उन समझौतों को बार बार हर बार आश्वासन देके छोड़ दिया गया है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसी का विरोध हमारी परिषद द्वारा किया जा रहा है। चूंकि हमने सरकार के सारे काम किए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार के सारे काम और मन लगा के करें, पूरी लगन से करें और दम लगा के करें, लेकिन सरकार के द्वारा सुना नहीं जाना अत्यंत खेदजनक है, जिससे हम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।